अब हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्लास नाइन्थ का. ओके, इंट्रोडक्शन बायोलॉजी है ये. इंट्रोडक्शन बायोलॉजी में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है बायो के बारे में कि किस तरीके से बायोलॉजी की कितनी ब्रांच होती हैं, बायोलॉजी के कितने उसके फादर उसमें उसे कितने सब पार्ट होते हैं, कौन किस पार्ट का फादर कहा गया है. ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके. फिलहाल बुक से ही आप लोग देखिए. पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस की डेफिनेशन क्या है उसको लिखा गया है, जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो. साइंस की डेफिनेशन, साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज सपोर्टेड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन डिराइव्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना ऑफ द इंटायर मटेरियल यूनिवर्स. हम कह सकते हैं कि साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज. साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज है थ्रू विच वी कैन स्टडी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. साइंस एक ऐसी सिस्टमैटिक नॉलेज है जिसमें हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं. सब पहले तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं. साइंस कहती क्या है, साइंस का एम क्या है पढ़ने का. कोई भी ऑब्जेक्ट हमने देखा तो हम डायरेक्ट ये ना मान लें कि यही इसकी रियलिटी है, यही इसकी सच्चाई. नहीं, साइंस सिरे से नकार देती है इन सब बातों को. साइंस में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना होता है, फिर उसका एक्सपेरिमेंट करना होता है, फिर बताना होता है कि हाँ एक्यूरेट यही चीज है. वो शुरुआती दौर में लोग सन को देखे डर गए, पूजा करने लगे उसकी. लेकिन नहीं, साइंस ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है. सन तो बस एक केमिकल से बना हुआ है. हाइड्रोजन के एटम्स मिल करके हीलियम के एक हैवी एटम बना लेते हैं और उसी से ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है. तो साइंस ने हर मिथ को तोड़ा है. हर समाज में फैले जितने भी भ्रांतियां थी, जितने भी मिथ थे, सबको साइंस ने खत्म किया है. तो इंट्रोडक्शन में यही सब आपको देखने के लिए मिलेगा. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए कि साइंस में एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसकी स्टडी हम लोग आज कर रहे हैं. तो बायोलॉजी को आजकल साइंटिस्ट ऑफ्टन प्रीफर द टर्म लाइफ साइंस. सबसे पहले हम लोगों ने, आप लोग भी इसी अकॉर्डिंग नोट्स तैयार कीजिएगा, साइंस की डेफिनेशन लिख, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि साइंस की कुल कितनी ब्रांच होती है. साइंस में मेनली थ्री ब्रांच होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. ओके स्टूडेंट, बायोलॉजी को आजकल साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि बायोलॉजी को लाइफ साइंस के नाम से यूज किया जाए. लाइफ साइंस, ओके. अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं, कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने साइंस में, स्पेशली हम कह लें बायोलॉजी में, बहुत विशेष योगदान दिया है. तो एरिस्टोटल का नाम आप लोगों ने सुना होगा. एरिस्टोटल वाज दी फर्स्ट पर्सन. एरिस्टोटल एरिस्टोटल 384-322 BC, इनको फाउंडर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, कह सकते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी. स्टूडेंट इसको लर्न कर लीजिएगा आप लोग. एरिस्टोटल वाज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी. उसके बाद नाम आता है थियोफ्रेस्टस का. ईयर है इनका 372-285 BC. फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है इनको. हिप्पोक्रेटस फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है. इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग एक ढेर सा एक चार्ट बना लीजिएगा कि साइंस में, स्पेशली बायोलॉजी में,
जितनी भी बायोलॉजी की ब्रांच है, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जितनी भी ब्रांच है साइंस बायोलॉजी में, उसमें कौन से वैज्ञानिक, कौन से साइंटिस्ट को किस, कौन सा साइंटिस्ट किस चीज का फादर है, किस ब्रांच का फादर है। ओके स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं। जब तो अभी जो हमने बात की थी कि साइंस की कौन कौन सी ब्रांच है, तो आप यहां देख सकते हैं ब्रांच, आप बायोलॉजी स्पेशली बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांच है, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उससे बॉटनी, जूलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, ये दिया गया है आपका मेन ब्रांच में। बॉटनी में हम प्लांट की स्टडी करते हैं, जूलॉजी में एनिमल की स्टडी करते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। अब उसके बाद और बहुत से ग्रुप बना दिए गए हैं, जैसे बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी आप बैक्टीरिया की करते हैं, वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस, माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगी, इंटेमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इक्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस, एप्रोटोलॉजी, स्टडी ऑफ लिजार्ड स्नेक, और एंथ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड। इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग एक चार्ट तैयार कर लीजिएगा, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि किस चीज की स्टडी को किस नाम से जाना जाता है। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट। एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इस सब दिया गया है कौन किसकी ब्रांच है, आप पूरी तरीके से एक चार्ट बना के इसको रख लीजिएगा। फिर हम आते हैं अगले पार्ट पे कि कौन प्लांट से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे ब्रांच हैं जिसमें हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ एग्रीकल्चर, क्रॉप की स्टडी किया जाता है, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, ये सब नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो कुल मिला के इस चैप्टर में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे लिखना है कि किस चीज की स्टडी को किस नाम से जाना जाता है, और इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट लेसन था जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए पूरी बातें लिखी गई हैं, जो कि आप पहले से ही जीके में या अदर साइंस में ही आप लोगों ने इससे रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ लिया है। ओके स्टूडेंट, आज का इंट्रोडक्शन यहीं तक था। आप लोग एक शॉर्ट नोट स्टडी से रिलेटेड तैयार कर लीजिएगा कि किस चीज की स्टडी को क्या नाम दिया जाता है और इसके फादर कौन कौन है। ओके।